गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर गाइड चैनल्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स क्लास ट्वेल्थ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका केमिकल रिएक्शंस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम बताया था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसकी यूनिट की चर्चा किए थे, रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टिक्योमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मान लें कि कोई रिएक्शंस को हम कंसीडर कर देते हैं, सबसे पहले कोई रिएक्शंस को हम कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लें हम यहाँ पे कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, जैसे ए है बी है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो आपको ऑलरेडी पता हो चुका है कि हमारा जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी क्या है, रिएक्टेंट्स और इधर वाले प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट्स और इधर प्रोडक्ट्स है। और स्मॉल ए बी सी डी क्या है, इसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है, ये सब देख रहे हैं ए बी सी डी, हो सकता है इसके जगह पे एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसी को बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिखेंगे कि रेट मतलब कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के फॉर्म में और अपीयरेंस के फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका होगा, डिसअपीयर कौन करेगा, रिएक्टेंट करेगा, और अपीयर कौन करेगा, प्रोडक्ट करेगा। मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट खर्च होता है, इधर वाला पार्ट एलएचएस वाला जो होता है खर्च होता है, और आपका आरएचएस वाला क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं सपोज रेट ऑफ, हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे, डिसअपीयरेंस ऑफ ए में क्या लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस लगाएंगे। क्या है कि ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि आपका रिएक्टेंट आपका टाइम के साथ खर्च हो रहा है। तो माइनस हम लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, डिसअपीयरेंस मतलब खर्च हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ बी लिखेंगे माइनस डेल बी बाई डेल टी, यहाँ तक ठीक है। माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं, पता है आपको, बता चुके हैं। अब है कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पहले हम क्या बता रहे हैं, अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि कौन डिसअपीयर हो रहा है, कौन अपीयर होगा, अभी कोफिशिएंट वाला बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, अपीयरेंस ऑफ डी तो क्या लिखेंगे, डेल डी बाई डेल डी। ये तो हो गया कि कौन डिसअपीयर हो रहा है, कौन अपीयर हो रहा है, मतलब ए डिसअपीयर हो रहा है, बी डिसअपीयर हो रहा है, खत्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, खर्चा हो रहा है, और बी अपीयर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये बात तो यहाँ क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखें, रेट पूरे इमेज की, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ ध्यान देंगे आप, रेट लिखने जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो कॉफिशियंट है इसको ये डिवाइड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो वन बाई ए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस लगाएंगे सामने में वन बाई ए, और यहाँ पे लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, इज इक्वल टू
माइनस वन बाई बी डेल कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल टी, समझ रहे हैं। अब इक्वल टू, सारा भी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये सी ये प्लस में जाएगा, ठीक है, कि वन बाई सी के आगे माइनस में लगाएंगे, इसलिए प्रोडक्ट है ये। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल सी बाई डेल टी इज इक्वल टू वन बाई डी डेल डी बाई डेल टी। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई कि ये जो कॉफिशियंट है, कॉफिशियंट को हमको किस में लाना है, डिवाइड में लाना है। हम एग्जांपल के तौर पे भी इसको समझेंगे। ए बी सी डी अभी लिखे हैं, रिएक्शन में हम लिखेंगे 1 2 3 4, तब उसको हम लोग, अगर यहाँ सपोज 2 रहता तो यहाँ 1/2 होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो 1/3 होता, यहाँ पे सपोज 3 होता तो 1/3 होता, 4 होता 1/4 होता। यहाँ तक क्लियर। इस तरह से कोई भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग लिखेंगे। अब आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि आखिर हम इसको डिवाइड में लाए तो क्यों लाए, क्यों लाए डिवाइड में, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास रीज़न है, आप ध्यान से लेक्चर पे बने रहें, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यहाँ तक इस तरह से। अब मैं कोई एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश में आपको कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक आपका आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये आपका सेकंड लेक्चर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर्स, और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस चैप्टर्स में। केमिकल रिएक्शन का बहुत कुछ आइडिया होगा, बहुत सारे चीज़ आप जान जाओगे इस चैप्टर्स में, कि किस तरह से रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाता है, कोलिजन होता है, गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करेगा या फिर सॉलिड वाला पार्टिकल या लिक्विड वाला, ये सब फेज में देखेंगे। डिपेंड भी करेगा किस फेज में रिएक्शन चल रहा है, कोलिजन कहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ का जानकारी इस चैप्टर में मिलेगा आपको, आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को देखना। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। सपोज मान लें हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस द रेट, अगर मान लें हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सप्रेस द रेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेस द रेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम से, फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पे। तो पहला रिएक्शन हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे 2HI है, यहाँ बन गया H2 और ये I2। इस बात को आप देख रहे हैं, इस रिएक्शंस को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कि 2HI क्या दे रहा है, डिकम्पोजेस टू गिव डाई हाइड्रोजन एंड डाई आयोडाइड दे रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम बात क्या करें, ध्यान दीजिए कि रिएक्शंस देखने से क्या लग रहा है, रिएक्शन देखने से क्या लग रहा है। सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे रेट, ये तो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ ये जो हो रहा है, मान लें कि 2HI जो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, 2HI हम लिए हैं, 2HI सपोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ HI लिए या 2 मोल्स ऑफ HI लिए, तो बन क्या रहा है इधर, एक मोल H2 का और एक मोल I2 का। इसके मतलब ये हो रहा है जितना ये डिसअपियर हो रहा है उसका आधा आधा बन रहा है, ठीक है। रेट अगर इसका लिखे हम तो क्या लिखिएगा, रेट अगर लिखा जाए तो आपको बता चुके रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, लिखिएगा माइनस हाफ डेल कंसेंट्रेशन ऑफ HI बाई डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/1 तो 1 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इधर पॉजिटिव में होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है, एकदम कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे I2/ΔT, अब देखिए ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या कह रहा है, ये जितना खर्च हो रहा है ये डबल खर्च हो रहा है कि आधा आधा बन रहा है, ठीक है, डबल, तब हम बराबर कैसे लिखें,
इसको इक्वलाइज करने के लिए हम इसको इक्वलाइज करने के लिए इक्वल में लाने के लिए हम कोफिशियंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए सिंपल सा देखिए, ये दो लिए तो ये इतना बना। अगर हम इसको लिख सकते हैं हाफ डेल एच आई बाई डेल टी, अगर हम ऐसा लिखें, ठीक है, और इधर लिखें यही चीज डेल एच टू बाई डेल टी। ठीक है, अब देखिए अगर ये दो को हम इधर भेज दें, दो को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, होगा इक्वल। अभी तो क्या था, ये दो था एक एक बन रहा था, अगर यहाँ आधा लिख दे और ये यहाँ पे लिखा रहे, ये आधा और ये, तब तो इसके बराबर हो जाएगा, बराबर होगा, क्लियर है ना। ये दो था तो एक, दो था तो एक बन रहा था, तो ऐसा लिखने से हम क्या हुआ कि ये इक्वल इक्वलाइज हो गया। इक्वल करने के लिए, आखिर बीच में इक्वल टू का साइन, इक्वल करने के लिए हम इसको ऐसा लिखा करते हैं। अगर कोई पूछे कोफिशिएंट डिवाइड में क्यों आता है, टू इक्वलाइज द इक्वेशन, इक्वेशन को इक्वलाइज करने के लिए। रेट ऑफ फॉर्मेशंस ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू एन आई टू जस्ट हाफ द रेट ऑफ कंजम्पशन, जस्ट क्या है उसका, आधा है इसका, लेकिन ऐसा लिख दें तो देखिए क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बराबर मिलेगा, इसलिए कोफिशिएंट को हम बाई में लाते हैं ताकि हम इक्वेशन को इक्वलाइज कर सकें। यहाँ तक बात कीजिए, तो इस रिएक्शंस का रेट रिएक्शन लिख दिए इस तरह से। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा रिएक्शन उठाते हैं, कोई दूसरा अगर रिएक्शन उठाते हैं, तो सपोज मान लें हम लिखते हैं SO2, SO2 और यहाँ पे O2 ले लिए सपोज, और यहाँ पे लिख दिए SO3, ठीक है, यहाँ दो लगा दिए, कितना हो गया, दो दो चार दो छः, यहाँ पे लगा दिए दो, ठीक है, तो क्या हुआ, अब इसका रेट कैसे लिखेंगे, अब इसका रेट कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये दो है ये दो है, तो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे रेट बराबर माइनस हाफ डेल एस ओ टू बाई डेल टी, क्लियर हो रहा है, इज इक्वल टू डेल, माइनस हो गया ये डेल ओ टू बाई डेल टी, इज इक्वल टू हाफ डेल एस ओ थ्री बाई डेल टी, एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तरह का प्रॉब्लम, देखिए अब देखिए ये और ये आपस में बराबर, ठीक है, ये और ये आपस में बराबर, देख रहे हैं, और ये आपस में इक्वलाइज हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा, तो यही कह रहा है हमको किसी तरह से क्या करना है, इसका वाला बात को फॉलो करना है जो देख रहे हैं। यहाँ भी क्या कह रहा है कि जितना ये देखिए जितना तेजी से ये खर्च हुआ, इसका दो मोल खर्च हुआ तो इसका दो मोल अपीयर हुआ, दो मोल खर्च हुआ तो दो मोल क्या हुआ, उसका अपीयर हो गया, और यहाँ पे एक मोल खर्च हुआ दो मोल अपीयर हुआ, तो इक्वलाइज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिए, इज इट क्लियर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ये तो हम क्या किए कि इससे हम रेट सिखाए आपको लिखने के लिए, अब ऐसा देंगे हम, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा आपको केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करना, अब उल्टा चलेंगे थोड़ा, इससे लिखें ये, अब इसके जरिए ये लिखना चाहेंगे, इसके जरिए ये लिखना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसको हम, या फिर कॉपी में इसको कवर कीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं, तो इसको हम लोग मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सपोज क्या है, क्या चीज है, ध्यान दें, अगर मान लें हम कोई केमिकल रिएक्शन सपोज कंसीडर किए, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन हमने कंसीडर किया है, ठीक है, तो मान लें कि यहाँ पे हम लिख लिए प्लस वन बाई टू डेल सी बाई डेल टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई थ्री डेल डी बाई डेल टी,
इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, ठीक है, यहाँ पे लिख लिए डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये चीज। अब इससे हमको कोई रिएक्शंस को फॉर्म करना है, इससे रिएक्शंस लिख के दिखाना है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहला मान लिया ऑप्शन हम ले लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, दूसरा ऑप्शन ए प्लस फोर ए प्लस टू बी इक्वल टू सी प्लस डी, तीसरा ऑप्शन ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, चौथा ऑप्शन फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू टू सी प्लस थ्री डी, ये हमारे पास है, समझ रहे हैं। तो इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है, हम क्या बात कर रहे हैं यार, इनमें से कौन सही है। तो देखिए इधर वाला जो ए प्लस ये माइनस वाला पार्ट क्या होगा, माइनस वाला पार्ट होता है क्या, रिएक्टेंट, और प्लस वाला पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट, एकदम क्लियर। तो रिएक्टेंट अक्सर हम इधर देखते हैं, रिएक्टेंट इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड की ओर और ये इधर जाएगा, तो रिएक्टेंट हो गया ए और रिएक्टेंट हो गया बी और प्रोडक्ट हो गया सी और ये हो गया डी। अब ये जो डिवाइड था अब चला जाएगा, पहले क्या था कोफिशियंट डिवाइड में आया था, अब डिवाइड कहाँ जाएगा, कोफिशियंट बनेगा, तो ये डिवाइड कितना से है, फोर से, तो फोर ए बी के साथ कुछ भी लफड़ा नहीं है, ठीक है, वन है तो वन रहने दीजिए। सी का कोफिशियंट देखिए कितना है, सी सी क्या है यहाँ पे टू सी, डी का क्या है थ्री, तो फोर ए बी टू सी और थ्री डी इज इट द राइट करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ तक क्लियर, कोई तरह का डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये मैंने आपके सामने एकदम प्योरिटी में रखा है, एकदम प्योर तरीके से, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके सामने झलक रहा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन आप बनाइए आपका बनना आसान है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब जैसे मान लें कि इसको आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट कवर कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन हम और कराते हैं आपको, देखते हैं उसमें क्या है। तो वहां पे कहानी ये है कि आपका जैसे कि हम यहां पे ले लिए 5 Br - 5 Br - 5 Br - एक्वास BrO3 - एक्वास 6H+ एक्वास, और यहाँ पे ले लिए Br2 एक्वास, और यहाँ पे क्या ले लिए 3H2O क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विड है। यहाँ तक ये चीज़ हम उतार के रख दिए आपके सामने, तो 5 1 6 ठीक है, 3Br2 लिख लिया। अब इसका हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, कैसे लिखें रेट इसका लिखना, तो ये रिएक्टेंट है तो -1/5 डेल Br - डेल्टी इज इक्वल टू, वन है तो वन छोड़ दीजिए, माइनस लगा देते हैं, डेल Br O3 - डेल्टी इक्वल टू 1/6 माइनस में डेल
एच प्लस बाई डेल टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट वाला में प्लस लिखना है 1/3 डेल बी आर 2/ डेल टी इज इक्वल टू 1/3 डेल एच टू ओ बाई डेल टी। ये हो गया आपका कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हम लोग, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किस तरह से हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया करते हैं। यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ गई, एकदम ईजी लग रहा होगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए आसान। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशंस। इसके बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें क्या आएंगे आपका ऑर्डर रिएक्शंस और रेट कांस्टेंट की बातें वहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर मान ले लिया गया है, जैसे मान ले कि एक सिंपल सा मान ले रिएक्शंस हम लोग ले लेते हैं और इस पर एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग निकाला करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो भी आपका टॉपिक आने वाला है, ठीक है, वो क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट्स। तो आई थिंक ये सारी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद जो हम लोग मिलने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर आपको कराया जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सारी बात अगर आपको क्लियरली समझ में आ रही है तो इसको शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा बल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।